नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए मित्रों, बात करेंगे रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट जो उनके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जीके से संबंधित है, बात करेंगे अपन। पहला जब जैसे प्रश्न की बात करते हैं, सुमेलित वाला प्रश्न दे रखा है। जीके की बात करते हैं, जीके के प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले अपन। राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी? शुरुआत में तो राजस्थान संघ की जो राजधानी थी वो कोटा थी। उसके बाद संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी? संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी थी वो उदयपुर थी। और उदयपुर के बाद फिर मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। और बृहत राजस्थान की बात करते हैं, बृहत राजस्थान की राजधानी जो थी वो जयपुर थी। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख जो बनाया गया था वो कोटा महाराव को बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो वार्षिक आय 184 लाख रुपए थी। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? तो कोटा को बनाया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त बृहत राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी? तो वो की थी धौलपुर ने की थी, क्योंकि धौलपुर वाले उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो के एम मुंशी के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो उदय भान सिंह धौलपुर को बनाया गया। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख गणेश पाल करोली को बनाया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय कौन सा ठिकाना राजस्थान में नहीं था? निमराणा लावा कुशलगढ़ थे, इटावा नहीं था। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के समय चर्चा में रहा हत्तल गांव किस राजनीतिक नेता संबंधित था जहां उनका जन्म हुआ था? तो गोकुल भाई भट्ट का हुआ था और ये सिरोही के अंदर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो वो बीकानेर ने किए। अगला प्रश्न है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। अगला प्रश्न है, भोपाल सिंह ने कब राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान गुजरात मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया? तो 25 और 26 जून 1946 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के चरण और उनके राज प्रमुख के संबंध कौन सा सही नहीं है पूछा है? इसमें बृहत राजस्थान मानसिंह प्रथम जयपुर सही नहीं है, मत्स्य संघ उदयभान सिंह धौलपुर सही है, संयुक्त राजस्थान भोपाल सिंह मेवाड़ सही है और राजस्थान संघ भीम सिंह कोटा सही है। अगला प्रश्न, एकीकरण के किस चरण में माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो तृतीय चरण में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी शैली शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो वो है मेवाड़, मेवाड़ के तेज सिंह समय इस ग्रंथ को चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी कौन सा है? आदो नियुक्त व्रति और 10 वेली का सूत्र चूर्णी अ व दोनों है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मानी जाती है तो वह है मेवाड़। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स 1916 ईस्वी में किया था? तो वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। अगला प्रश्न, राजस्थान प्रदेश की चित्रकला को किसने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया? तो वो राय कृष्णदास ने। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? अगर 4 भागों में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शैली मेवाड़ शैली संबंधित नहीं है? जूनिया शैली नहीं है, देवगढ़ शैली, सावर शैली, बनेड़ा शैली है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली का। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस राजा के काल में चित्रित किया गया? तेज सिंह के समय, मेवाड़ के शासक। अगला प्रश्न, किसके काल की प्रसिद्ध कृति डोला मारू है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है? वो है राणा प्रताप के समय में। उदय सिंह के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किसके द्वारा चित्रित किया गया? नाना राम। महाराणा अमर सिंह के समय प्रथम रागमाला 1605 ईस्वी का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो ये निसारुद्दीन। मेवाड़ चित्रकला का प्राचीन ग्रंथ सुपार्श्वनाथ चरित किसके समय में चित्रित किया गया? तो मोकल के समय में। अगला प्रश्न, मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णयुग किसके शासनकाल में रहा? तो ये जगत सिंह प्रथम के समय। अगला प्रश्न, किस महाराणा ने राजमहल में चित्तौरों की ओवरी तस्वीरा कारखाना नाम से चित्रशाला की स्थापना की थी? तो जगत सिंह प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में प्रमुख चित्र गीत गोविंद बिहारी सतसई सुंदर श्रृंगार मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र हैं? संग्राम सिंह द्वितीय के समय। अगला प्रश्न की बात करते हैं, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़।
अगला प्रश्न बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी, तो वो महाराजा सावंत सिंह के समय। बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, गौरीबाई को। अगला प्रश्न डूंगरपुर के किस राजा ने गौरीबाई के लिए 1829 ईस्वी में बालमुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया, गौरीबाई यानी बागड़ की मीरा कहा जाता है, महारावल शिव सिंह द्वारा। स्वामी भक्ति त्याग और बलिदान की मिसाल पन्नाधाय जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया, उनके पति का नाम था तो सूरजमल इनके पति का नाम था। अगला प्रश्न उदय सिंह की दाय माँ पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या किसने की थी, तो बनवीर ने की थी। गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर के किस परिवार में हुआ, तो ये नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है दुर्गादास राठौड़ का जन्म किस गांव में हुआ, तो सालवा गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है दुर्गादास राठौड़ के बारे में असत्य कथन चुनिए, असत्य कथन बताना है। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 ईस्वी को मारवाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम आसकरण था। इनकी मृत्यु आगरा में 22 नवंबर 1718 को हुई थी। आगरा में नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु उज्जैन में हुई थी। इन्होंने शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता की। अगला प्रश्न दुर्सा आड़ा ने महाराणा प्रताप और राव चंद्र सेन के देश प्रेम की भावना का पर यशोगान किया, यह किस मुगल सम्राट के समकालीन था, यह अकबर के दरबार में था। दुर्सा आड़ा अकबर के दरबार में था, अकबर के समकालीन था दुर्सा आड़ा। अगला प्रश्न है विरुद्ध छतरी किताबावनी वीरमदेव सोलंकी रदुआ आदि रचनाएं किसकी है, ये दुर्सा आड़ा की रचना है। अगला प्रश्न है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार कौन है, दयालदास। अगला प्रश्न है दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के किस गाँव में हुआ था, तो वह कुड़िया गांव में। अगला प्रश्न है मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह में उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कौन थे, कवि राजा श्यामल दास थे, वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी जिन्होंने। अगला प्रश्न है राजस्थान में जनपद काल माना जाता है, तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। अगला प्रश्न है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वर्तमान अलवर को किस नाम से जाना जाता था, उलूक प्रदेश। अगला प्रश्न है राजस्थान में विस्तारित उन जनपदों के विषय में असत्य कथन छाँटिए, योद्धे जनपद का विस्तार श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ उत्तरी राजस्थान में था, सही है। अर्जुनायन जनपद का विस्तार डूंगरपुर बांसवाड़ा में था, ये गलत है। मालव जनपद का विस्तार अजमेर टोंक नगर मेवाड़ एवं जयपुर तक था। सिवी जनपद का विस्तार मेवाड़ चित्तौड़ उदयपुर में था। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे। अगला प्रश्न 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपदों का विस्तार वर्तमान में राजस्थान में था, 4 महाजनपद थे। अगला प्रश्न निम्न में से किस ग्रंथ से अनुमत है कि चित्तौड़ का किला चित्रांग मौर्य राजा चित्रांगद का बनाया हुआ है, कुमारपाल प्रबंध। अगला प्रश्न है कर्नल जेम्स टोड द्वारा चित्तौड़ के निकट मान सरोवर नामक तालाब के किनारे विक्रम संवत 1770-713 ईस्वी का मान मौर्य शिलालेख खोजा गया, जिसमें किन शासकों के नाम मिलते हैं, इसके अंदर महेश्वर भीम और भोज मान उपयुक्त सभी मिलते हैं। कोटा के निकट कणसवा यानी कंसवा के शिवालय से 795 विक्रम संवत 738 ईस्वी का शिलालेख मिला, जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है। अगला प्रश्न है छठी शताब्दी मंडोर के आसपास किनका राज्य था, तो ये प्रत्यारोक था। यही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ और छठी शताब्दी सांबर चौहान राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है पांचवी या छठी शताब्दी में मेवाड़ और उसके आसपास के भूभाग में किनका शासन स्थापित हो गया, तो गुहिलों का। दसवीं शताब्दी में अर्थुणा तथा आबू में परमार शक्तिशाली बन गए। बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दी के आसपास तक जालौर रणथंबोर और हाड़ौती के चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया। जांगल देश कहलाता था, तो बीकानेर व जोधपुर क्षेत्र। बीकानेर के राजा स्वयं को जांगलदर बादशाह कहते थे। प्राचीन काल में मांड प्रदेश कहलाता था जैसलमेर का। कोटा और बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती सिरोही के हिस्से को आबू झालावाड़ का दक्षिण भाग मालव देश के अंतर्गत गिना जाता था। अगला प्रश्न है कौन सा त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है, तो है तीज। अगला प्रश्न है लठ मारोली कहाँ खेली जाती है, श्री महावीर जी करौली के अंदर। अगला प्रश्न है राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का संकनाद किस कवि ने किया था, तो सूर्यमल मिश्रा ने किया था, जो हाड़ौती के कवि थे, बूंदी के राजकवि। भवानी नाट्यशाला किस शहर में है, तो ये झालावाड़ के अंदर है। अगला प्रश्न है राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई, 1980 में। अगला प्रश्न है हरीश बदानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है, वातायन। अगला प्रश्न है राजस्थानी शब्दकोश के रचनाकार कौन है, सीताराम लालस। अगला प्रश्न पश्चिम राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप युक्त है, 41.5%। अगला प्रश्न लसाड़े का पठार राजस्थान किस जिले में स्थित है, उदयपुर के अंदर। तो ये थी राजस्थान जीके की छोटी सी क्लास रीट लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए, और सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसी प्रकार के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।